एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में रहता था एक लोमड़, जो चालाक तो था पर साथ ही बहुत ज्यादा आलसी भी। ओ, कितना अच्छा हो अगर खाना खुद चलकर मेरे पास आ जाए और मुझे लेने ना जाना पड़े। ओ, कितना अच्छा होगा अगर नदी का पानी खुद उड़कर सीधा मेरे मुंह में आ जाए और बैठे बैठे मेरी प्यास बुझा दे। ओ, कितना अच्छा होगा अगर सूरज मेरे ऊपर धूप नहीं छांव बरसाए। बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। जी हाँ, लोमड़ सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि ख्याली पुलाव भी पकाता था। वो सारा दिन पेड़ के नीचे पड़े पड़े सपने देखता कि वो कहीं का राजा है और जंगल के सब जानवर उसका हुक्म मानते हैं। हाँ हाँ बस करो, मेरा खाना कहाँ है ये बताओ। हाँ शेर, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत किस चीज के लिए? हाँ वो मैं सपना देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सपने में भी मुझसे ऐसे बात करने की? गुस्से में लाल शेर भागा और लोमड़ के पीछे भागा। बेचारा लोमड़ अपनी जान बचाने के लिए इतनी तेज भागा कि उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं और उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल छोड़ गांव में पहुंच गया था। वो रुका, वो हांफ रहा था। मूर्ख शेर, देखना एक दिन वो मेरा नौकर होगा। ऐसा कहकर वो गांव के अंदर चल दिया। ओ वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं मजेदार जिंदगी। इनके पास घर है, ये लोग पानी और खाना ला सकते हैं और खाना मसालों में भी पकाते हैं। ओह, ऐसी जिंदगी जीने के ही तो हम ख्वाब देखते हैं, है ना? हे रूडी, वो कौन है जो हमारे गांव में ऐसे घुसा चला रहा है? वो जो भी है हमारी बिरादरी का। इसे भगाना होगा इससे पहले कि ये सब गांव वालों का दिल जीत ले। तूने तो दिल की बात कह दी यारा, चल भगाते हैं। ओह, हे नए दोस्तों, मेरा नाम है। पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, वो भौंकने लगे और हमले के लिए तैयार थे। ये क्या, नहीं लगता है कोई गलतफहमी हुई है। लोमड़ पीछे मुड़ा और भागा, कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। लोमड़ और तेजी से भागा, उसे लग रहा था कि वो कुत्ते आज उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे बचने के चक्कर में वो एक धोबी के घर में घुस गया, पर जैसे ही वो छुपने लगा वो नीले रंग की डाई से भरे पानी के टब में गिर गया। कुत्ते जो उसके पीछे भाग रहे थे उन्हें वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो तो उड़नछू हो गया। वैसे भी हमसे कोई पंगा नहीं लेता है ना। डींगे हांकते हुए खुशी खुशी कुत्ते चले गए और लोमड़ बाहर आया। इतनी बुरी किस्मत, पहले उस शेर से जान बचाई, अब ये पागल कुत्ते पीछे पड़ गए। बेचारा लोमड़ दुखी मन से जंगल वापस चला गया, पर उसे ये नहीं पता था कि अब वो नीले रंग का हो गया है। जंगल के जानवर भी अब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। OMG, वो कौन है? सोच रहा हूँ वो चीज है क्या। जान बचानी है तो भागो। लोमड़ बाकी जानवरों को खुद से डरकर भागते देख हैरान हो गया, पर उसने नजरअंदाज कर दिया और वो सीधा नदी पर अपनी प्यास बुझाने पहुंचा। वहां भी उसे देखते ही सारे पंछी भाग गए। भागो, पता नहीं अजीब सा जानवर जंगल में कहां से आया। ये क्या हो रहा है, ये सब मुझसे डर क्यों रहे हैं? फिर जैसे ही वो नदी से पानी पीने लगा उसने अपनी परछाई देखी और वो हैरान हो गया। तब उसे समझ आया कि बाकी जानवर उससे डर क्यों रहे हैं। उसे एक आइडिया आया। लोमड़ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस बड़े पत्थर की तरफ गया जो शेर का सिंहासन था। वो उस पर बैठ गया और उसने बाकी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ। बिना कुछ जाने सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी, जो फिलहाल कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। अरे दोस्तों, तुम सब मुझसे यूँ डर कर क्यों भाग रहे हो? यकीन मानो, मुझसे डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते,
पर मैं ऊपर वाले का बनाया हुआ एक खास प्राणी हूँ और उन्होंने मुझे भेजने से पहले कहा था कि जंगल के जानवरों के पास कोई ऐसा राजा नहीं जो काबिल हो, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारा राजा बनाकर। ये क्या? तो आज और इसी वक्त से मैं इस प्यारे से जंगल का राजा हूँ और तुम सब पर राज करूँगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अच्छे से राज करूँ जिससे कि तुम सब मेरी छत्र छाया में इस जंगल में सुरक्षित जिंदगी जी सको। समझ गए ना सब? हाँ। सब जानवरों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया और जल्दी लोमड़ वैसी ही जिंदगी जीने लगा जिसके वो सपने देखा करता था। मेरा खाना कहाँ है शेर? ये लीजिए, ये रहा महाराज। बैठकर वो मजे से बाकी जानवरों के करतब देखता और सब उसके लिए शिकार करके लाते, पानी लाते। वो जानवरों को तरह तरह के खेल खेलने को कहता जब वो मजे से बैठकर खाना खा रहा होता। अब सभी एक लाइन बनाओ और उस पेड़ तक परेड करो और मिस्टर मेंढक कोई उछल कूद नहीं, समझे? ऐसा कई दिन तक चलता रहा और लोमड़ और ज्यादा आलसी और लालची बनता जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि सभी जानवर लुक्का छुपी खेले और मैं बैठकर देखूं। मजा आ गया, क्या जिंदगी है। एक दिन रोज शाम की तरह जब लोमड़ ने दरबार लगाया हुआ था तो वहाँ कुछ अजीब हुआ। लोमड़ ने दूसरे लोमड़ों को गुर्राते हुए सुना। पास ही के किसी जंगल में अपनी बिरादरी की आवाज सुन के वो खुशी रोक नहीं पाया और जोश में उनके साथ वो भी अपनी आवाज में गुर्राने लगा जिसे सब पहचानते थे, उसका गुर्राना। शेर और बाकी सभी जानवर तभी समझ गए कि इतने दिनों से जो राज कर रहा था वो लोमड़ था, न कि कोई खास खतरनाक अलग और विचित्र जानवर। उसे किसी ऊपर वाले ने नहीं भेजा था, वो समझ गए। बस फिर क्या था, सब उसके पीछे भागे और वो नदी में जा गिरा जहाँ पानी से उसका सारा रंग निकल गया। धोखेबाज, अगर तुम मुझे मेरे राज्य में आइंदा दिखाई दिए तो ऊपर वाले की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ इतना बेइज्जत हुआ कि वहाँ से चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। वो एक जंगल से दूसरे जंगल भटकता रहा, थका हारा जानवरों से भीख मांगता रहा कि वो उसे वहाँ रहने दे। पर ये कहानी हर जगह फैल गई थी और सब जान गए थे कि वो कौन है। आखिरकार लोमड़ को समझ आ गया कि लालच बुरी बला है और मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है।